मार्वल के डेयर डेविल को तो सब जानते होंगे, पर बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि नेटफ्लिक्स का जो डेयर डेविल वाली सीरीज आई थी उससे पहले एक मूवी भी बनी थी और जिसमें थे हमारे एक्स बैटमैन, मतलब बेन एफ्लिक प्ले कर रहे थे उसमें डेयर डेविल का रोल। तो चलो मैंने मूवी देख ली, इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स। तो ये मूवी है 2003 की और इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि जो डेयर डेविल की मूवी में होना चाहिए वो इसमें होता है। कैसे मैट मर्डॉक की आंखें चली जाती हैं, फिर वो कैसे लॉयर बनता है, कैसे अपनी सुपर हीरो लाइफ को बैलेंस करता है और जो भी विलन्स उसके सामने आते हैं उसको हराता है। विलन्स की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले विलन नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पे, वो है बुलजाई, जिसको कॉलिन फेरल ने प्ले किया है। और शो के मुकाबले ये बुलजाई आपको छपरी टाइप का लग सकता है, पर ये नहीं कहूँगा इसको देख के आप इरिटेट हो गए, आपको देखने में तब भी मज़ा आ जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा जो डम फन वाली मूवीज होती है ना वैसा। दूसरा विलन आता है किंग पिन, जो बुलजाई से कम इम्पैक्ट डाल पाता है मूवी में, और शो वाली किंग पिन से कंपेयर करें तो अगर वो 10 है तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा। इस मूवी में डेयर डेविल का फ्रेंड भी होता है फ्रैंकलिन नेल्सन, जिसको आप फॉगी के नाम से जानते होंगे, और इसको प्ले किया था जॉन फेवरो। मैं भी सरप्राइज हो गया था ये देख के, जो अपने मार्वल यूनिवर्स में हैप्पी होगन का रोल प्ले करते हैं। अब डेयर डेविल और जो फॉगी है उसका बॉन्ड देख के आपको बहुत सही लगता है, मतलब लाइट हार्टेड मूवी बनी रहती है जब ये दोनों स्क्रीन पे होते हैं। लव इंटरेस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रा, जिसको जेनिफर गार्नर ने प्ले किया है, और अभी अभी आपने देखा हो इनको डेडपूल एंड वुल्वरीन में, उनका काम यहाँ पे सही लगता है। और डेयर डेविल के साथ उनका जो लव इंटरेस्ट होता है मैं अल्टीमेट तो नहीं बोल सकता हूँ, पर ठीक ले जाती हैं वो, पर इलेक्ट्रा दिखने में अल्टीमेट लगती है। फिर बात करते हैं अपने मेन कैरेक्टर की, मतलब मैट मर्डॉक यानी कि डेयर डेविल। तो बेन एफ्लिक का जो पोर्ट्रेयल है डेयर डेविल का वो चार्ली कॉक्स के बराबर नहीं है, पर यहाँ पे बेन एफ्लिक की थोड़ी सी तारीफ की जा सकती है क्योंकि बेन एज डेयर डेविल मुझे पसंद आते हैं, चाहे वो मैट जैसे ना बन पाए इतने सीरियस और इंटेंस रोल में नहीं है, कहीं कहीं यहाँ पे गोफी वाले सीन्स भी लगते हैं, पर जब रात के अंधेरे में डेयर डेविल सबको मारता है और जब दिन के उजाले में वो केस लड़ता है तो उसको देख के आपको अच्छा लगता है। एक्शन की अगर बात करूँ तो अगर दिमाग बंद करके देख रहे हो तो मज़े कर लोगे, नहीं तो अगर कमी निकालोगे तो इसमें CGI इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये पुरानी मूवी है, बाकी इसमें कट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको अगर एक्शन समझने में प्रॉब्लम होती है, पर हाँ नॉर्मल फन वाली मूवी के लिए एक्शन सही लगता है। मूवी ने डेयर डेविल की जो सेंसेस होते हैं बाकी 4 उनको दिखाने के लिए एक नई चीज़ का यूज़ किया है, तो वो थोड़े ब्लू टाइप की इमेजरी दिखाते हैं बीच बीच में, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फील होती है पर कभी कभी आपको ये थोड़ा ओवर लगने लग जाती है। तो ओवरऑल अगर आपको एक लेस इंटेंस लेस सीरियस डेयर डेविल देखनी है जिसमें सिर्फ आपको डम फन मिल सके तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। इस मूवी को मैं रेट करूंगा 6.4 out of 10। तो नीचे कमेंट्स में बताओगे क्या तुमने डेयर डेविल देख रखी है 2003 वाली, अगर हाँ तो तुम्हें कैसी लगी थी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर